तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैंट में किस तरीके से क्रीज बना के प्रेस लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, आपको फ्रंट वाला हिस्सा लेना है और यहाँ पर जो ये दो सिलाई लगी हैं इन दोनों सिलाइयों को इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद याद रखें ये जो मार्जिन होता है ये मार्जिन आपका बैक साइड में जाएगा, ठीक है, और इसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर जो हम प्लेट डालते हैं दोस्तों, ये क्रीज वाली प्लेट होती है, इसको भी ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। जब ये दोनों को आप पकड़ लेंगे इस तरीके से मिलाने के बाद एक बराबर, तो आप इसे ऐसे करें जैसे मैंने करा है, ये ऑटोमेटिक दोस्तों आपका ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये हमारी क्रीज की प्लेट का निशान होता है। आप इस पर एक हल्की सी प्रेस लगा लें, जैसे मैं प्रेस लगा रहा हूँ। ये प्रेस लगाने के बाद आप देखेंगे ये वाला जो मार्जिन है आपका, इस मार्जिन को आप इस तरीके से कर लें, सारा मार्जिन बैक साइड में जाना चाहिए आपका ये, और उसके बाद दोस्तों आप इस पर लगाएंगे प्रेस ऐसे करके, जैसे मैं प्रेस लगा रहा हूँ, ये आपका इतना हिस्सा प्रेस लगेगा। फिर आप इसको ऐसे घुमा लें जैसे मैं बता रहा हूँ, और घुमाने के बाद आप इस पर भी इस तरीके से प्रेस लगाएं जैसे मैं प्रेस लगा रहा हूँ, और सारा मार्जिन आपका बैक साइड वाले पल्ले पर जाना चाहिए इस तरीके से आप यहाँ पर प्रेस लगाएंगे। तो दोस्तों बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ दोस्तों आप इसकी क्रीज वाली पैंट की प्रेस लगा सकते हैं। आप देखेंगे कितनी फिनिशिंग से ये एक पल्ला आपका लग गया, ठीक है। बस ध्यान एक ही चीज़ का रखना है आपको कि ये जो मार्जिन जितना भी होगा ना ये आपका बैक साइड में जाना चाहिए। बैक साइड में जाएगा तो दोस्तों और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी पैंट की उसमें प्रेस में, और ये आपका बढ़िया हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी हल्का सा आगे था तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये बैक साइड में करना है मार्जिन, और यहाँ पे प्रेस लगा लेनी। अब मैंने देखी प्रेस लगा ली है, ठीक है, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से दोस्तों प्रेस लगने के बाद इसकी शेप दिखती है। हल्की सी प्रेस यहाँ और लगा लेते हैं, ये देखिए दोस्तों ये आपकी पैंट की क्रीज इस तरीके से दिखेगी। ये देख रहे हैं ये आपकी पैंट की क्रीज होगी फ्रंट वाले हिस्से की, जो आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोस्तों आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।